आपको समझना पड़ेगा ये फैमिली हमारी फैमिली है, ये रामायण से बहुत पहले से हमारी फैमिली है। हम आसपास रहते हैं। सागर साहब की पिक्चर ललकार में डैडी ने काम किया है धर्मेंद्र अंकल के साथ, और जो इनके बच्चों के बच्चे हैं वो हमारे साथ सेम क्लास में पढ़े हैं। ज्योति सागर और मैं एक क्लास में थे, तो सेकंड स्टैंडर्ड से हम साथ में, मैं जाके घर में इनके खेलता था, खाता था, पीता था, तो ये हमारी फैमिली है। और डैड को जो रामायण में इन्हें रोल दिया वो तो आपको पता है, इतिहास लुक चुका है। हाँ, तो उनका फ़ोन आया कि डैड नहीं आ सकते, वो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, पर तुझे आना पड़ेगा। तो मैं तो एक पिक्चर ही छोड़ दी ताकि मैं यहाँ आ सकूँ, एक पिक्चर का यानी मैंने उनको अवॉइड ही कर दिया 17 तारीख। मैं कहा ये करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा कि अब रामायण जो है जब बनी थी तब सिर्फ दूरदर्शन था और पूरा इंडिया रुक के देखता था रामायण। बाद में बहुत सारे सीरियल्स और बहुत सारे टीवी चैनल्स आ गए हैं, इसीलिए उनको वो कंपेयर नहीं होते। और जो रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई वो उन्हें ऊपर वाले के आशीर्वाद से डायरेक्ट बनाई है। उन्हें सपना आया था कि आपको ये रामायण बनानी है, और तीन लोग उन्हें सपने में दिख गए थे, एक अरुण गोविल जी, एक दीपिका जी और एक दारा सिंह जी, तीन लोग। अगले दिन सुबह बच्चों को फ़ोन करके बोला बुलाओ तीनों को, और ऐसे ही ये शुरू हुई थी। तो ये सब लोगों को पता नहीं है, शायद इनने बुक में भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि इनको भी शायद वो टाइम पे मान नहीं थे, पर मैं गया था साथ में पहले दिन। हाँ, डैड को डैड बिल्कुल, हमारे डैड, हमारा सर के ऊपर उनका आशीर्वाद सदा रहेगा, और पूरे हिंदुस्तान को मिस करता है, हम भी मिस करते हैं। और मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया उनके साथ, और हमने डैड ने हमें समझा के गए थे कि जब मैं जाऊँगा तो यू ऑल सेलिब्रेट इट, मैं बहुत अच्छा 84 ईयर्स जी चुका हूँ, और हम लोग प्यार से याद करते हैं, रो रो के याद नहीं करते हम कभी भी। मैंने बहुत बार हनुमान जी का रोल ऑलरेडी कर चुका हूँ, 12-14 बार साउथ इंडिया में, तो सारी पिक्चरों में मैंने किया है, चाहे चिरंजीवी के साथ हो, चाहे NTR के साथ हो, सब पिक्चरों में हनुमान जी का रोल मैंने किया। पर जब भी मैं करता हूँ तो डैडी का सोच के करता हूँ। उनने मुझे समझाया था कि जब तू हनुमान का रोल करेगा सुबह से लेकर रात तक एक भी रॉन्ग थॉट नहीं, नॉनवेज नहीं, दारू नहीं, नारियल पानी पीते जाओ, और अच्छी श्रद्धा से काम करो। और ज़िंदगी भर मैंने ऐसा किया है, मतलब मैं फुल नॉन वेज और दारू वाला आदमी हूँ, लेकिन ये हनुमान जी का आया तो टच भी नहीं करता और कोई थॉट भी गलत नहीं आने देता माइंड। क्या चीज़? हाँ देखो, ये देखो आपको समझना पड़ेगा, एक देश है, देश चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, और हम लोगों को भरोसा था कि मोदी सरकार बहुत अच्छी तरह से देश को चलाएगी, लेकिन कभी कभी ये कोई ना कोई इनके एजेंडा में जो चीज़ें हैं वो इनने सोची हुई हैं कि देश के लिए शायद ख़राब है, और वो उसको घुसा देते हैं, और उसमें फिर हैवॉक होता है, राइट्स होते हैं। पर आपको समझना पड़ेगा ये जो राइट्स होते हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसा आदमी भी अच्छी तरह समझ नहीं पाया एग्जैक्टली ये है क्या। तो छोटे छोटे बच्चों को 500 रुपये दे के राइट्स करा के पत्थर भरवा रहे के लिए जो लोग कर रहे हैं वो क्लियर दिखता है कि भाई ये रियल लोग नहीं है, पोस्टर भी किसी ने बना के बांटे हैं और सब ऐसे 500 रुपए लेके खड़े हुए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई प्रोसिक्यूट यानी दूसरे देशों में किसी हिंदू किसी और कौम के साथ गड़बड़ हो रही है तो उनको इंडिया आना अलाउड होगा और वो यहाँ आ सकते हैं, और वो वैसे ही मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो उसी लिए आई थिंक इन लोगों ने ऐसा रखा कि मुस्लिम नहीं, लेकिन अगर वो मुस्लिम भी लिख देते तो बहुत सारे आ जाते, क्योंकि वो तो कंट्रियाँ बकवास है और इंडिया बहुत ही बेहतरीन है, तो इसीलिए शायद नहीं लिखा, पता नहीं क्या रीज़न है। लेकिन जब कंट्री में आपका रूल चल रहा है तो आपको ऐसा पंगा नहीं लेना चाहिए जिसमें आपका यानी आगे बढ़ने के बजाय वापस गड़बड़े हो। तो आई थिंक BJP वाले ट्राई कर रहे हैं अच्छा, लेकिन बैकफायर कर रहा है, और दूसरी अपोजिशन की पार्टियाँ 500-500 दे के करवा रही हैं। A brief introduction about Prem Sagar ji. He began his career as a cinematographer with his father Ramanand Sagar ji's film Lalkar in 1970, soon after completing his education from the Film and Television Institute of India, Pune, where he was a recipient of a gold medal for the best academic student of the year and a silver medal for the best photographed student film. He was associated as a cinematographer or technical advisor with several popular and memorable films of Sagar Arts, including Charas, Bagawat, Hamrahi, Pyara Dushman, Arman, Jalte Badan, Badal, Prem Bandhan and Salma. He then turned director with Hum Tere Aashiq Hain.
In the 80s, Prem Sagar ji produced and directed India's first fantasy television serial, Vikram aur Betal, which I'm sure all of us remember. Closely associated with the show Ramayan, Sagar ji then went on to have an extremely successful career in television, being associated with shows like Shri Krishna, Sai Baba, Prithviraj Chauhan and Chandragupta Maurya in various creative capacities. He also directed Jai Ma Durga, Mahima Shani Dev Ki, Jai Jai Bajran Bali and Basera. Prem Sagar ji has, to his credit, a total of 15 awards as director of photography and many accomplishments in the field of still photography. The honors include the prestigious associateship of the latest creation, his book on his father. May I now request industry stalwart, Mr. Amit Khanna, to kindly come up on stage and say a few words about Ramanand Sagar ji. Sir. Sagar Saab is a filmmaker who's much beyond that. As has been just depicted in this short TV on him, he was, you know, imagine a span of 6 decades in cinema. He started in the silent era as a young flapper boy at the age of 15 and then went on to make several classics. You know, his example, his dialogue in film Pegam, Rajkumar, are still considered epic. You know, they are really, you know, students of cinema, still applauding. Of course, there's a story in screenplay for Raj Kapoor's first film, Prasad. There's also evidence of his great cinematic sense. And then his, he did, as briefly mentioned here, at a time when not many people would go to Madras, Chennai, you know, where some Hindi films had started being made. And he worked with the great S.S. Vasan of Jemmy and produced and directed and wrote several films, which are all landmarks. And then he came back and made several films here, and, which all of us have loved. He had a keen sense of drama, of music, and above all, his greatest quality was passion for life. You know, he was somebody who loved life, and he lived life on his terms, but with, while adhering to every single Also, I must tell you, Amit is also authored a beautiful book on entertainment. Why don't you tell us one or two words on that book, which you have just launched? I'll actually say
is something which, and the reason why I was actually inactive from most of the film and media activities, is I wanted to write the first encyclopedia of Indian media and entertainment. So it took me 3 years of research and 1 year of writing. It's a big, fat, 1,000-page book which chronicles the history, and of course, Sagar Sawant very much mentioned that. That was nothing better than Sita Maya. नहीं अगर दस के बहु हो तो ऐसी है ना बीवी हो तो ऐसी सीता मैया जैसी. Thank you Prem ji for such lovely words. Good evening to the press, good evening to my friends, ladies and gentlemen, and a very very big hello to the Sagar family. And of course, our Ramayan crew. I'm seeing most of the artists today after a very, very long time together. It has been a wonderful journey with Papaji, whom we all fondly call as Papaji. I remember whenever I give an interview and people would say, Papaji, nahi hum to Ramanand Sagar ki baat kar rahe na. I said, that's Papaji for me, Ramanand Sagar for the world. I think it's a very small thing that I would say that I have been extremely fortunate to have worked with a creative visionary like Papaji. And he called himself the postman of the modern days where he delivered Ramayana to the people. But not only did he deliver the ethics and the principles and the story, he made it live. He took people, the nation, worldwide in a time capsule to Ayodhya and to Lanka and wherever he wanted. So I think the vision that he had, and he showed it to the world, and me being part of his vision, I think I was very, very honored, very, very lucky. And I was very young to understand the magnanimity of the whole process. But today when I look back, 30 years back when I look back, I would just say thank you to my Sri Ram, because my guru was a follower of Ram, Jalaram. So I am just thankful to my guru, to my ancestors, for the blessings from the family that I met Ramananji. And I actually met Anand Sagar first, and Premji was the one who put me on to Vikram Vaital and then moved on to Ramayana. So it has been a very, very beautiful journey of my life. And Papaji of course had a very, very big body of work, right from Barsat to Ramayana. But the last one was one of his best piece of work. And once again, I'm repeating myself by saying I was fortunate to be in a part which even he was very proud of. So I'm very honored that I was part of this, and I will always be thankful to the Sagars, to Papaji, to be part of their life and their journey. And Shiv, I would like to say a special thank you today to you. Thank you for remembering us and having us. It was very sweet. And Premji, you've outdone yourself by doing what you did today. The honor and giving your father the stand that you've given today and letting the world know. It's just that we as actors knew who he was, or the industry knew what he was, but today the whole nation is going to know the person Ramanand Sagar was. And thank you for giving us the book. Thank you. It is Vishu Kutumbam. The whole world is a family, and this is meant for entire mankind, not only to India, to every human being. And nothing can be achieved, believe me, as Deepika ji said, without the blessings of Kuljan, Devjan and Gurujan. On to मैं अगर वहाँ खड़े होकर बोलूँ तो इज इट ओके? मैं अगर वहाँ खड़े होकर बोलूँ तो इज इट ओके? मुझे बैठ कर बोलने की आदत नहीं है.
आप सभी को जय राम जी की। आज रामायण किए हुए तो बहुत साल हो गए, लेकिन आज रामायण से एक बार फिर जुड़ने का जो मौका है वो अपने आप में बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा मौका है। मैं अभी दीपिका जी अंग्रेजी में बोल रही थी तो मैं हिंदी में बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता भी हिंदी में हूँ। मैं दिखता सिर्फ अंग्रेजी में हूँ क्योंकि वहाँ नॉलेज हो जाता है। हिंदी में मैं वो सब कह पाता हूँ जो मैं अंग्रेजी में नहीं कहता। सागर परिवार बहुत बधाई का पात्र है आज इसके लिए, स्पेशली प्रेम सागर जी और शिव। शिव ने इस बुक को लिखने के लिए या जो भी करने के लिए जोड़ने के लिए पूरी जितनी मेहनत की है मुझे पता है, बहुत पिछले एक दो साल में उन्होंने मुझे बहुत बार टैप किया और हर बार ऐसा होता रहा कि मैं समय देकर भी उनको नहीं मिल पाया। शिव लेकिन आज ये बुक हम सबके सामने आ गई है। सागर परिवार के विषय में इतना कहना चाहूंगा, अपने आप में सब पूरे हैं, अच्छे हैं। सागर साहब के बारे में कहने की मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई आवश्यकता है या मैं इस योग्य हूं कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। He's been a great writer, a great technician, a great director, a great music lover. Made few very good films. सागर परिवार से जुड़ने का जो मेरा जो मुझे मौका मिला वो मौका मिला था हमारे शांति जी के कारण। शांति जी ने मेरी एक फिल्म देखी थी, उसको देखकर उन्होंने मुझे, एक फिल्म बन रही थी बादल जो आनंद डायरेक्ट कर रहे थे, उसमें उसके लिए फिर उन्होंने मुझे याद किया था। तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू शांति जी। रामायण में मेरा आना अपने आप में कहानी है, अब उठाकर शेयर करिए जो आप में से बहुत शायद ही किसी को पता होगी परिवार के अलावा, बल्कि किसी को नहीं पता होगा, बड़ा गुड टाइम शेयर। और मुझे वो इंस्पायर इसलिए कर रहा है वो बात कहना कि अभी जब हम सागर साहब के ऊपर जो फिल्म देख रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा है कि रामायण बनाना वो व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, ये रामायण बनाना जैसी वो बनी थी ये व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, ये सिर्फ परमात्मा का काम हो सकता है। मैं एक फिल्म कर चुका था बादल, मैं विक्रम और बेताल कर चुका था उस कैंप में, तो मुझे पता लगा कि सागर साहब रामायण बनाने जा रहे हैं। तो मैं चला गया उनके ऑफिस में और मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना आप रामायण बना रहे हैं, तो उन्होंने अपने छोटे चश्मे से ऐसे ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। हाँ, तो मैंने कहा मुझे राम जी का रोल करना है। फिर उन्होंने देखा मुझे दोबारा एक बार ऊपर से नीचे तक, ठीक है समय आएगा तब देखेंगे। समय आया, उन्होंने और कई लोगों के साथ मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। ये कहानी है उसकी, जो रामायण की जिस दिव्यता की बात करते हैं या हम परमात्मा की बात करते हैं। आनंद यहां बैठे हैं, आनंद ने मुझे कई बार कहा कि भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, बहुत अच्छे अच्छे रोल है। ऐसे कि ये रोल का सवाल है ही नहीं, मेरे मन में आया था कि मुझे राम जी का चरित्र करना है, मैं रोल करने के लिए नहीं गया था सागर साहब के पास, मुझे राम जी का रोल करना चरित्र करना था, तो इसके लिए मेरे मन में था। अब इफ आई एम नॉट सुटेबल फॉर दैट इट्स फाइन, जबरदस्ती थोड़ी होती है। फिर ऑडिशन लिया, मैंने नहीं किया होगा अच्छा, उन्हें नहीं पसंद आई मेरी बात, मेरा लुक्स नहीं पसंद आया होगा या तो जो भी होगा, तो बात आई गई हो गई। Somebody else was almost selected. And one fine afternoon, it was a Sunday, he called me, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सर क्या घर पे, हमारे पास आ जाओ।
मैं सागर मिला चला गया. एंड ही सेड वन लाइन टू मी सागर सर कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड की थी कि तेरे वरना राम नहीं मिला. बस ये क्या हो गया चारा, मतलब ये हो गया कि हेड से टेल हो गया, टेल से हेड हो गया एकदम से. बट एनीवे आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि जो भी कुछ हुआ वो ऊपर से हुआ था, परमात्मा से. और परमात्मा कोई ना कोई जरिया ढूंढता है. उसने एक ऐसा जरिया ढूंढा जो इस योग्य था कि जो इसको सही मकाम तक पहुंचा, और वो थे हमारे ब्राह्मण सागर साहब. रामायण के साथ जितना भी आप सबने रामायण देखी है, आज भी रामायण के बाद मेरा जो करियर था, जो फिल्म करियर था, वो खत्म हो गया. आप सोच रहे होंगे मैं ये यहाँ पर खड़े होकर, इस मकाम पर खड़े होकर, जगह पर खड़े होकर मैं ये क्या कह रहा हूँ. नहीं, मैं कुछ कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ. मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन रहा, मैं मेरी फीलिंग्स बता रहा हूँ. रामायण के बाद मेरा फिल्म करियर खत्म. बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, जब मैं पार्टी में जाता था तो हीरोइंस लाइक श्रीदेवी जी, जया प्रदा उठ के खड़ी हो जाती थी, नमस्ते कर लेता था. ओके फाइन. प्रोड्यूसर्स लाइक यश चोपड़ा जी या हमारे दूसरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे, तो जी हम क्या रोल दे अभी, तेरी इमेज इतनी स्ट्रांग हो गई है यार. मैं थोड़े दिन बड़ा परेशान था, ठीक क्या हो गया, मुझे काम करना है यार, मुझे अपना घर भी चलाना है यार, मेरा परिवार है, वे तो भाई को मैंने बहुत कोशिश की, कुछ ग्रे शेड्स के रोल भी करने की कोशिश की, पर लोगों को तो वो अच्छे लगे ही नहीं, मुझे खुद को भी नहीं अच्छे लगे. मैंने कहा नहीं यार अरुण को भी तुम इस काम के लिए नहीं बने, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम दिखते भी नहीं हो ग्रे, पर से तो तुम ग्रे हो ही नहीं, तुम दिखते भी नहीं हो. और एक दिन फिर मुझे इस बात का इल्हाम हुआ, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ इल्हाम, वो आसानी से नहीं होता और वो सिर्फ ऊपर वाला करवा सकता है, कि अरुण गोविल तुम्हारे पास जो है, इंसान की एक फितरत होती है कि जो उसके पास नहीं होता है वो उसके पीछे भागता रहता है, जिंदगी भर भागता है उसके पीछे कि मुझे ये मिल जाए, ये मेरे पास नहीं. लेकिन जो उसके पास होता है उसकी मेनी टाइम्स वो कदर नहीं करता, वो तो घर की चीज है, वो तो है ही मेरे पास, उसमें क्या प्रॉब्लम है. मुझे एक दिन ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारे पास जो है, जो एक इमेज है, तुम उसी के लिए बने और यही तुम्हारी जिंदगी के लिए ठीक है. उस रामायण के बाद 50-100-200 फिल्में कर भी लेता अगर, तो भी आज 30 साल बाद, 35 साल बाद लोग मुझे नहीं जानते इस तरह से जिस तरह से आज जानते हैं. आज भी आप कहीं भी चले जाए, मतलब एयरपोर्ट चले जाएंगे, किसी फंक्शन में चले जाए, कुछ भी हो जाए, आज भी जो इज्जत, जो प्यार, जो स्नेह मिलता है रामायण का, वो अपने आप में I sincerely are thankful to Shri Ramanand Sagar Sahab. और as a director मैंने of course शुरू के साथ इतना ही वही काम किया, पर उनमें एक्टर के, वो मेरे ख्याल से टेक्नीशियन तो वो जितने अच्छे थे ही, लेकिन वो एक एक्टर के डायरेक्टर थे. उनको ये पता था कि इस एक्टर में कितना है कंटेंट है इसमें, अगर है तो निकाल लेंगे. तो हम लोगों ने भी शायद ठीक ठाक काम कर लिया था, उन्होंने तो घर जिंदगी का बहुत अच्छा काम किया हुआ, पर हम एक्टर्स ने भी ठीक ठाक काम कर लिया था. मुझे आज भी सुनील के गुस्से से डर लगता है, इतना अच्छा गुस्सा करता था ये एज लक्ष्मण, मुझे आज भी डर लगता है, और इसलिए मैं आज भी इनकी बहुत इज्जत करता हूँ.
सीता भैया की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं इनको आज भी सीता भैया ही बोलता हूँ, दीपिका नहीं कह पाता मैं इनको। उन्होंने जितना अच्छा काम बतौर सीता भैया किया है वो कभी रिपीट नहीं हो सका, मैं नोबडी रिपीट करता तो मैं इनको बहुत बहुत इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और फाइनली एक बार फिर अपनी बात खत्म करते हुए शिव को और बेंजी जी के साथ एक बहुत सुंदर रिश्ता था। वो मुझे आज पता चला कि ही वॉज 70 व्हेन ही मेड रामायण, क्योंकि ऐसे लगता था कि शायद 20-25 साल बड़े होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। वेरी फुल ऑफ ह्यूमर एंड ही कुड टॉक टू एनीबडी ऑन एनी टॉपिक ऑन एनी लेवल। बच्चे के साथ बच्चे हो जाते थे, बूढ़े के साथ बूढ़े हो जाते थे। वेरी क्लेवर, इंटेलिजेंट, बट समरी जिसको हम कह सकते कि he had his opinions but he was always witty, he was always happy and he always wanted people to be comfortable. मतलब जैसे उनके घर से अगर खाना भी आया ना, माई रूम वॉज नेक्स्ट टू हिज रूम, तो वो हमेशा उनका ये होता था कि भाई सीते को बुलाओ, उसको ये पसंद आएगा। मेरी मम्मी मेरे लिए थेपला बना के भेजती थी, सो शी ही वुड ऑलवेज, अच्छा दीपिका आ गई है, सीता आ गई है, मम्मी के थेपले खाओ। सो ही ऑलवेज वॉज फुल ऑफ लाइफ। मतलब विजनरी तो हैं, क्रिएटिव हैं, बहुत बड़े मतलब इंसान है, वेरी लिटरेट, बट ही हैड अ बेबी क्वालिटी इन हिम विच यू कुड रिलेट टू, विच इज़ वेरी वेरी ह्यूमन। अब नॉर्मल ये लगता है कि इतने बड़े इंसान हैं जिन्होंने राज कपूर के साथ काम किया तो कहीं यू नो बहुत एटीट्यूड होगा, बट ही वुड कम डाउन टू योर लेवल। एंड अगर अगर मेरा शूटिंग नहीं हुआ, अगर मैं रूम में बैठी हूँ शाम तक, तो वो एक चक्कर मार के जाएंगे, शूटिंग नहीं है क्या कर रही हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही वुड डेवलप विथ हिज एक्टर्स। एंड ही ऑलवेज हैड टाइम फॉर एवरीबडी, फॉर एवरीबडी, मतलब सबके रूम में जाके हाई हेलो करते थे। सो मतलब काम भी करते थे, लिखते भी थे, एंड ही वुड मेक श्योर कि हिज पीपल आर कम्फर्टेबल। रामायण तो बहुत सारी बनी, क्योंकि वो रामानंद सागर ने बनाई है इसलिए वो रिप्लेस नहीं हो सकती है। आई थिंक जो पापा जी का जो मैजिक है इट के नॉट बी रिप्लेस, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक्टर्स लिए, जो ही उन्होंने जो क्रिएट किया है, आई थिंक जैसे सब कहते हैं कि तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी, तो आई थिंक उनका नाम उन्हीं के साथ आना चाहिए। सो आई थिंक वॉट ही हैज़ क्रिएटेड टुडे इज एब्सोल्युटली इन द लेवल्स ऑफ तुलसीदास जी एंड वाल्मीकि। डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि फ़र्स्ट टाइम जब मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ एंड उन्होंने मेरे बहुत स्क्रीन टेस्ट लिए, हालांकि मैं उनके होम प्रोडक्शन में दोनों सीरियल्स कर रही थी, विक्रम बैताल एंड दादा दादी, एंड मेरे लास्ट स्क्रीन टेस्ट पे देन आई एम लाइक आई हैड डिसाइडेड कि पापा जी बस अब बहुत हो गया, अब मैं स्क्रीन टेस्ट नहीं देने वाली हूँ। एंड कट करके ही जस्ट कॉल्ड मी फर्स्ट टाइम, दिस इज़ माई सीते, एंड दैट्स द थिंग दैट आई स्टिल रिमेंबर, एंड उसके बाद ही हैज़ ऑलवेज कॉल्ड मी सीते। I think it's a very tricky subject, but yeah, I definitely support to a large extent. मतलब है उसमें नुक्स हैं, but I definitely don't think कि जो हो रहा है इस वक्त is correct. There are a lot of things in the bill which I think is worth supporting. सिर्फ दो ही लाइनें हैं, एक है दिस बुक हैज बीन रिटन एज पुत्र धर्म एंड एज पितृ रीत। नहीं, कभी सोचा नहीं था। 2002 में मैं पापा जी को रात को सुलाने के बाद नोट्स लेता था और 2004 तक मैंने अपने नोट्स लिए और वो अपनी
अंदर की जो दर्द थी, अंदर जो उनके जख्म थे, अंदर जो वो मतलब लहू बहता था उनका, वो किसी को नहीं दिखाते थे। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या था, शायद उनको एक फोरसाइट थी कि ये पुत्र उनका ये सब लिखेगा या उनको उनका नाम दुनिया भर में लेके जाएगा। ये मेरी कल्पना है, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। बट मैंने रात को 2004 तक नोट्स किए एंड उनके दो घंटे मैंने पापा जी से कहा आप अपनी टेप रिकॉर्डिंग तो कर दो। वो दो घंटे की रिकॉर्डिंग उन्होंने 2 साल लिए। आज मूड नहीं है, आज शाम को करते हैं, आज मेरी शूटिंग है, ये नहीं कि मूड नहीं था, वो पर्दा खोलना ही नहीं चाहते थे। वो लोहे का पर्दा था। पता नहीं मेरे साथ उनका क्या एक आत्मिक रिश्ता था, सोलमेट थे या पिछले जन्मों का रिश्ता था। तो मुझे इतनी चीज़ें कह गए जो शायद मुझे ऐसे लगता है इस धरती पे किसी को ना पता हो। तो मैंने कोशिश की है, मेरी बहुत कमियां होंगी और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने ठीक किया है कि गलत किया है, क्योंकि इतनी प्राइवेट चीज़ें उनकी, उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो कभी डिस्कस नहीं किए जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंशियली बताए। मैं लिखूं कि ना लिखूं ये कश्मकश में मैं रहा, बट फाइनली मेरा पुत्र शिव सागर, उसको मैं दाद देता हूँ। उसने कहा नहीं पापा ये करना ही है। मैंने कहा मैं नहीं करना चाहता हूँ। वो 3-4 राइटर्स लाया, मैंने कहा ये बिल्कुल बेकार है, ये पापा जी के बारे में कोई लिख ही नहीं सकता अनलेस उनके करीब उनके साथ रहा हो। फिर ये कश्मीर भाग गया तो जो उनके पापा जी के परदादा थे लाला शंकरदास, वो मनसुख भाई, वो लाला शंकरदास, वो नगर सेठ थे। 3-3 राजा गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह, सबकी रियासत में वो सबसे अमीर आदमी थे। 500 एकड़ उनकी ज़मीन थी इन पहलगाम एंड इन टंगमर्ग। उनके गांव थे, उनके पास घोड़े थे, स्टेबल्स थे, बेस्ट ऑफ घोड़े थे। उधर गया तो उनका जो मतलब जो पैलेशियल मैंशन थी वो अभी भी थी। तो शिव उनकी फोटोग्राफ्स लेके आया, उधर लोगों से मिला जिन्होंने हिस्ट्री सारी ट्रेस की 1830 से 2000 पापा जी तक 2005 तक। तो पूरी हिस्ट्री पूरी उसने इतना मुझे काइंड ऑफ ब्लैकमेल किया, ये करना ही है, करना ही है, करना ही है। फाइनली मुझे लगा कि कोई एक डिवाइन मैसेज है कि उनकी जो जिंदगी जो उनकी जीवनी है ये मेरे पास नहीं रह सकती, ये विश्व भर में जाना चाहिए, क्योंकि विश्व कुटुंबम, ये सारी धरती में जो लोग रहते हैं वो एक फैमिली है। और क्योंकि पापा जी ने जो लाइफ की फिलॉसफी मुझे बताई थी वो शायद किसी को ना पता हो, वो था साक्षी भाव, विटनेस लिविंग, जैसे रजनीश ने कहा है कि करता होते हुए भी धरता होना, धरता होते हुए भी करता होना। तो वो उनकी जो फिलॉसफी थी, टोटल इन्वॉल्वमेंट, पिता पति राइटर मेकर एंड उसके बावजूद ऊपर से देखना ये कौन है रामानंद सागर, ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो जब उनको टीवी हो गई, जब उन्होंने देखा, इतनी करीब से मौत देखी, तो उनके मन में आया कि ये ज़िंदगी एक बुलबुला है, ये ज़िंदगी को सिर्फ एज ए विटनेस देखना चाहिए। तो उनकी ज़िंदगी की सारी जो बैलेंस लाइफ थी, इट वॉज जस्ट साक्षी भाव। एंड सनातन धर्म वो किसी भगवान ने नहीं बनाया, किसी इंसान ने नहीं बनाया, हमेशा था, हमेशा रहेगा। जैसे झूठ बोलना, चाहे आप ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, वो गलत है तो गलत है। द बेसिक टेनमेंट्स ऑफ सनातन धर्म जो उन्होंने मतलब मुझे सिखाया, बताया, मैं बड़ा, ये भी एक भाग्य होता है कि ऐसी कोक से पैदा होना और ऐसे पिता मिलने। उसके लिए मैंने जो बुक है अपनी पूज्य माता जी पे,
डेडिकेट किए हैं, क्योंकि जो जीवन देती है, जीवन देती है, उसका आप ऋण कैसे चुका सकते, वो आपको इस धरती पे लाई ताकि आप अपनी कार्मिक साइकिल को चेंज कर सकें, ताकि आप एक बेटर आत्मा बन के आगे जा सकें। जय श्री कृष्ण। वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ बाबा जी, मतलब बाबा जी मुझे आज मैंने मुझे पता चला कि जब उन्होंने रामायण बनाई ही वॉज 70, वो ऐसे लगते थे कि मुझसे शायद 20-25 साल ही बड़े होंगे, एंड ही टू कीप मेकिंग फन ऑफ मी कि उनको ऐसे लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ क्योंकि मेरे बाल नहीं है, लेकिन मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। एंड दैट्स हाउ ही वुड कम्युनिकेट विद मी, मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, बड़े के साथ बड़े, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन ही वॉज ऑलवेज फुल ऑफ ह्यूमर, जैसे हमेशा खुश रहते थे। अगर मेरी शूटिंग नहीं हुई शाम को, अगर होती थी ऐसे नज़र आया कि भाई सीते नहीं है, कहाँ है सीते भाई कमरे में, तो ही वुड कम टू माई रूम टू से, अरे क्या कर रही है, सब ठीक है ना, आज तो शूटिंग नहीं है। सो ही वुड ट्राई टू मेक स्मॉल कॉन्वर्सेशन एंड ही वुड मेक श्योर कि एवरीबडी इज लुक्ड आफ्टर, मतलब उनको ये लगता था कि ये मेरा परिवार है एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर। ये कभी भी उनको ये नहीं था कि भाई मैं रामानंद सागर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, जो होना है वो होगा एक्टर का। आई मीन ही कुड हैव गॉट अवे विद दैट एटीट्यूड, बट ऑलवेज टेकन केयर, ऑलवेज टुक केयर। इनफैक्ट जब कभी कभी ऐसे होता था कि मेरी गाड़ी नहीं आती थी बॉम्बे से मुझे पिकअप करने के लिए, तो पापा जी ये पूछते थे भाई सीते तो कैसे जा रही है मुंबई। सो दैट वॉज द कंसर्न ही वुड हैव, ऑलवेज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी ह्यूमन, वेरी ह्यूमन। I want to say that Sagar Saab kind of a person is very, very rarely comes in the world, you know. And he is the person who was probably born to give the world what he has given. And I think we all come with a purpose, and he has come with the purpose, he did his purpose, and we all were the part of that purpose. And I tell you one thing, this, as long as cinema is there, as long as this television will be there, and his name will be always written with the golden words, and Ramayan will always will be remembered, and it, nobody can replace this Ramayan as far as I can see. But there are many Ramayans are being, you know, announced that they will be making a Ramayan and all that, but no, nothing, because the dedication what he had, and the you can say that the involvement what he had was unimaginable. I mean, like, we can just can't think it. And my experience, personal experience, was very different with him. Like, you know, I had two type of experience with him. One on screen, other was off screen. And on screen, my experience was totally different. Off screen, he used to joke with me. You know, I remember once I had a very funny letter, kind of a letter which is not possible to describe. Some girl has written to me from Nepal as my fan, and she had dreamt a lot of nonsense with me and all that kind of a thing, which she described in a letter. So I showed that letter to Papaji. I said to Papaji, look, Lakshman is supposed to be, you know, God's kind of a goddess image kind of a thing. See what impression the people are getting it. So very jokingly he said, enjoy it. Very rarely people get this kind of a, you know, female fans and all that. And definitely this character, I don't know why, but has always had a lot of female fans. And this is, I'm thankful to, like, people crave for this kind of a, you know, adolescent kind of a thing. But I was fortunate. Now, that time until date, I still get that kind of a adolescent from the girls and the ladies and all that. They want to talk to me, they want to meet me, and they want to have a, you know, word with me kind of a thing. They want to photograph with me. I don't know why, but I'm really thankful to Sagar Saab, who has given this kind of a character, this kind of a description to this this particular role. And at times, I feel that this character, in certain scenes, has overshadowed a lot of other characters also. Like especially the Agni Pariksha scene was there, when towards the Uttar Ramayan, when Lakshman is leaving the Ram and all that kind of thing. Because he was more probably human, and he had a lot of human feeling.
That's why he fought. He fought with whom he idolized. Ram he idolized, but he fought with Ramayana, Ram also at times, you know. And I had a wonderful experience, and God bless his soul. And I'm thankful for Premji for getting me to this camp. And he will always will be very close to me, and I always regard him as my family. Of course. Thank you. I'll 1 minute. I fully agree with Sunil. 1 minute, please. Papaji was born to make Ramayana, and that is the Buddha, that is the focus of this book also. When he was just 25 years old and he had got TB and he was given up for dead, for sure death, staring at him, that is when ek tantrik aaya, Swami Nityananji, and unhone kaha ki tu jab 80s mein hogi, तो तू रामायण बना। फिर 1972 में गुवाहाटी में हम जब कामाख्या मंदिर गए तो उधर एक छोटी सी लड़की आई और पापा जी को टैप किया और बोली कि वो बाबा उधर बैठे ना, वो आपको मिलना चाहते हैं। तो पापा जी तो सबको नमस्कार करते थे, साधुओं को बड़ा मान देते थे। तो जैसे ही आगे गए वो लड़की गायब हो गई, मैं साथ में थी, ये वाक्य है। और उधर गए तो एक बहुत ही डिवाइन कोई एक साधु बैठा हुआ था, उसकी आंखों में कोई चमक ही अलग थी। उसने पापा जी को देखा जैसे कि ट्रांसमिट किया। पापा जी ने कहा कुछ सेवा, कुछ नहीं कहा पापा जी ने, कहा कुछ, वो एक्चुअली महाअवतार बाबा जी थे। जो इस 80s में हम जब कोहिनूर की शूटिंग करने गए तो एक तूफान था, तो सारा यूनिट अटका हुआ था। तो एक नीचे झोपड़ी थी गंगा किनारे, तो पापा जी ने अपने एक असिस्टेंट को भेजा कि उनको बोलो कि थोड़ी देर, मतलब लेडीज़ हैं, पना दे दे हमको, एक बरसात हो रही है, तूफान है। तो उसने जब कहा तो उसने बोला कौन है, बोले फिल्म मेकर, बोले भाग जाओ तो भस्म कर दूंगा। तो वो असिस्टेंट भागा और जाते जाते वो तांत्रिक ने पूछा उसका नाम क्या है, बोले रामानंद सागर। बोले ओ माय गॉड, भैया मैया मेरे को माफ़ कर दे, रामानंद सागर ये कैसे, अरे अरे उनको बुला। उसकी जो दिन की भिक्षा थी उस ऑफर की, बाहर गया, पापा जी को घूरता रहा, पत्ते तोड़े एंड पानी में डाला, और जैसे ब्रांडी से ज़्यादा मतलब उसकी फरमाइश आ गई। एंड पापा जी सरप्राइज, हम सरप्राइज, एक साइड में भस्म करना चाहता और एक साइड में माफ़ी मांग रहे हैं, तुम रामानंद सागर, तुम रामानो, तुम राम। बोले तुम 1972 में गुवाहाटी गए थे, बोले तुमको एक लड़की ने बोला था, बोले कहते उसने कहा था वो बात, कहते वो बाबा जी, तब रिवील हुआ। मेरे पास उनका एड्रेस भी है, उनकी समाधि पे भी गया फिर से। एंड ये क्योंकि मैं था तो ये हकीकत है। मैं बोलना चाहूँगा, देखो जो प्रेम जी ने लिखा है, एक बेटा अपने बाप के साथ, ये जॉइंट फैमिली का जो क्या जो होता है ना, जॉइंट फैमिली, सागर फैमिली, सारे एक घर में एक साथ, पापा जी, पापा जी के बच्चे, बच्चों के बच्चे, सब साथ में रहते थे, साथ में खाते थे। और जो बेटे को बाप के साथ रिलेशन है, बहुत लकी हैं, साथ में रहे हैं। तो एक एक चीज़ सागर साहब की इनको पता है। और मैं जब इनके घर में जाता था तो पूरे बड़े बड़े ना, ये वहाँ से लेके यहाँ तक कृष्णा जी, राम जी, श्री, मतलब अलग अलग भगवानों की फ़ोटो हर फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक लगी रहती थी। और तभी गॉड का एक जो बोलते हैं आशीर्वाद आया और रामायण बनी है। ना कभी वापस कोई बना सकता है और ना ये TRP कभी ना इसमें इसकी टूट सकती है। और TRP क्या होती, 30-40 पता ही नहीं क्या होती थी, आजकल तो 2-3 में खुश होते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या थी। तो देयर इज नथिंग लाइक रामायण, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट दिस बुक, वी रिमेंबर हिम, आई हैव स्पेंट टाइम विद हिम। तुमने जो कहा, हाँ, हम सब एक साथ रहते थे, बिल्कुल। एक बार वो श्रीराम बोरा जो प्रेसिडेंट थे इम्पा के, तो उन्होंने कहा कि सागर परिवार एक चौल में रहता है, 35 लोग रहते हैं, नौकरों विक्रों। Not only that, I have always given an example of Sagar family to people. कि look, joint family, just listen and see the Sagar family, how beautiful they live. And each member of the family takes the responsibility to look after the entire other members.
for every month and all that. And it was a beautiful, it was a really the example for joint family, which is very rarely you get to see. Bada table tha, bada table. Ye main ek, bolo. Bada sun, bada table tha khane ka, aur 24 ghante ek bada khana yahan se leke wahan tak ek dabba hota tha. डब्बा खोलो और खाना निकालो और टेबल टेबल पे खाना खा लो. 35 लोग हैं साथ में तो खा नहीं सकते, लेकिन सारे के सारे आई थिंक एकजुट होकर रहना. तो कोई सागर विला जाके वहाँ जाके सीखा होगा. हम लोगों ने बचपन में बहुत खुशी होती थी ऐसे घर में जाने से. आई थिंक इट वॉज वंडरफुल. एक जैसे इन्होंने कहा एक चमत्कार एक और बताता हूँ. मैंने तो कभी सुना नहीं, अगर किसी ने सुना हो तो बताइए. सागर विले के गेट के बाहर एक दिन वॉचमैन ऊपर भागता आया, अरे पापा जी नीचे चलो, मम्मी जी नीचे चलो, कोई शेव कर रहा है, कोई टावल में है. हम सब नीचे भागे और देखा एक सफ़ेद रंग की गंगा मैया, अपना एक सफ़ेद रंग की गौ माता, उसने अपना एक बछड़ा सागर विला के गेट पे दिया. मैंने ऐसा इंसिडेंस नहीं देखा. फिर लगा कि शायद यही कामधेनु थी जो ब्लेस करने आई थी पापा जी को एंड और परिवार को कि ये रामायण बनाएंगे. उसके बगैर नहीं हो सकता था. मतलब cannot be repeated again. गाय आपके मतलब दरवाजे पे आके हम गुड़ लेके आए, उसको साफ किया, उसका ख्याल रखा, मम्मी ने खीर पिलाया. तो मतलब इस तरह के ये किताब में इस तरह के अद्भुत इंसिडेंसेस हैं जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन था पापा जी का. ये आत्मा सिर्फ रामायण बनाने के लिए पैदा हुई थी. डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई बिलीव आल्सो. आई बिलीव जय हो.